So do you want to apply in University of Casino that is in Italy? So in today's video, I'm going to tell you that what are the requirements, application deadline and application processes to apply in this university. So the applications are open for bachelor and master degree programs. So if you have bachelor and master degree program, then get ready and watch this video. If you're new on this video, then I want to tell you that on this platform, we're going to talk about different universities, what are the requirements, application deadline, application processes, and different scholarship, how to apply in different scholarship that you can leverage during your stay while you are doing your bachelor, master, and PhD program. So in this video, we're going to talk about University of Casino. University of Casino is a public university. It's founded in 1979. And the acceptance rate of this university is 70 to 80%. That's a very high rate. So if you want to apply in Italian university, then I suggest you to go for this university. The average CGPA, minimum average CGPA that is required by this university is 2.5. So if you want to apply in this university, then the deadline to apply for bachelor and master degree program is 30th of April. But there is also a notification on the website that after April 30, a second deadline will be announced in case positions will be still available. But I suggest you to apply as soon as possible. Okay, what is the ranking? Okay, ranking in the world ranking, the number of this university is 1,764. Most of the students ask me the same question ke, aap hame koi bahut achhi university bataein, top rank ki university bataein, or I always answer them ke, at this time, the main focus of all the students should be or must be just to grab the university, to grab the scholarship. The most important thing is to grab the scholarship. At this time, मेरी सजेशन ये है कि प्लीज़ आप यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ना सोचें कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन सी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है. जितनी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं, आप वहाँ पे अप्लाई करते जाएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक दफ़ा इटली में एंटर हो जाएं, यूरोप में एंटर हो जाएं, उसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी. और सारी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ही आती हैं, क्योंकि वो 1000 की यूनिवर्सिटीज़ में ही आती हैं. सो यूरोप में जो इसका नंबर है दैट इज़ 591, इटली में 53rd है, और इन लाजियो डेट इज़ अ रीजन ऑफ इटली, इसमें इसका नंबर जो है वो 5th है. यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ लेटर्स एंड फिलोसफी, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सोशल एंड हेल्थ साइंसेज. तो अगर आपकी डिग्री जो बैचलर या मास्टर के लिए आप अप्लाई करना चाह रही हैं, तो अगर आप इन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, देन यू कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी. सो नाउ लेट्स जंप इनटू द एप्लीकेशन प्रोसेस. गाइस, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू पुट द लिंक इन द सर्च बार. ये मैं लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. सो इट टुक मी टू दिस पेज. यहाँ आप देखिएगा प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट आ गया. 2023-2024 एडमिशन आर ओपन. सो बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. एट दिस टाइम द यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग जस्ट वन बैचलर डिग्री प्रोग्राम, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बैचलर. ओके, क्लिक ऑन दिस वन. यहाँ पे सारा मेंशन है कि डेडलाइन जो है वो 30th of April है. प्री एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा. हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है, CV हो गया, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो गया, और मोटिवेशनल लेटर हो गया. इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका हो गया, या तो ये वो IELTS हो या कोई और हो, या आप यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा. स्टेप टू होगा, अवर सिलेक्शन कमेटी विल एवेलुएट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक एडमिशन क्राइटेरिया. फर्स्ट आपने रजिस्टर करना है. अगर आपको जो है कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके पास लेटर आ जाता है, तो आपके पास के बाद प्री इनरोलमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है. वंस प्री इनरोलमेंट, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन देयर टू अप्लाई टू आवर प्रोग्राम. ओके, उसके बाद आपने उस प्रोग्राम में ख़ुद को इनरोल करना है. पहले क्या होगा, पहले हमने रजिस्टर करना है, जो प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना है. तो वो प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी कि आपने वो कैसे करना है. हम लोग बैक पे जाते हैं. अच्छा, ये हमने बैचलर का किया है, अब हम मास्टर्स का देखते हैं. मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया. तो मास्टर वालों के लिए ऑप्शन ज़्यादा हैं. सपोज़ अब मैं इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्लिक करती हूँ,
तो यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो दे दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। इनकी भी डेडलाइन जो है वो 30th of April है। और इफ़ यू रीड द एडमिशन रिक्वायरमेंट, क्लिक ऑन दिस वन, प्लीज़ अप्लाई हेयर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, क्लिक ऑन दिस वन, हमने न्यू अकाउंट बनाना है क्योंकि हमने हम अभी तक रजिस्टर किया नहीं है। तो न्यू अकाउंट के लिए फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम हो जाएगा। अच्छा, योर जेंडर, योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने अपने पासपोर्ट की देख के आपने कर देनी है। सपोज ये है तो फिर हम लोग यहीं कर देंगे। और इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपका हो जाएगा, जो भी आपका कंट्री ऑफ बर्थ है वो आपने मेंशन कर देना है। नेशनैलिटी, यूनिवर्सिटी डेट इशूड योर BA, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है। सपोज यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में कर रही हूँ, लेकिन आपने अपनी यूनिवर्सिटी नेम लिख देना है। ओके, सब्जेक्ट ऑफ योर BA मैं कर रही हूँ इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं इकोनॉमिक्स कर देती हूँ। ओके, मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, IELTS या TOEFL है, नहीं मेरे पास नहीं है। तो बैचलर डिग्री क्लास डिवीजन, यहाँ पे आपकी कौन सी क्लास थी, फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में था, थर्ड में था। सपोज फर्स्ट में था, बैचलर डिग्री CGPA, बैचलर डिग्री CGPA हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है कि आपके कितनी परसेंटेज आई है। सपोज आपकी 90% आई है, देन क्लिक ऑन 90। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने अपना दे देना है, जो भी आपका होगा। ठीक है, मैंने ये रेजिडेंशियल एड्रेस कर दिया। देन ईमेल आईडी जो आप यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपने एंटर कर देना है। देन क्लिक ऑन प्राइवेसी। ओके, हियर इज़ अ कैप्चा कोड, N38B8B46 46। ओके, क्रिएट अकाउंट। ओके, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड ईमेल विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस। सो लेट मी चेक माय ईमेल एड्रेस, आदर आई रिसीव माय ईमेल और नॉट। ओके, मुझे ईमेल रिसीव हो गई है। तो आप ये देखिए कि योर यूजर कोड क्या है। योर यूजर नेम इज माय अकाउंट नंबर, दिस ईमेल आईडी एंड माय पासवर्ड इज दिस। तो हम लोगों ने बैक पे जाना है, बैक पे जाके हम लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक किया, जो यूज़र नेम है वो मेरा ईमेल आईडी हो गया, और पासवर्ड मैंने यहीं से कॉपी किया, यहीं से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसे लॉगिन कर दिया मैंने। अब आप एक दफ़ा अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि ये सारा कुछ आपका ठीक है कि नहीं। आपका यूज़र कोड जो होगा, जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, वो ये आ जाएगा। अब आपने सबमिट एप्लीकेशन करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन में आप ये चीज़ चेक कीजिएगा, नाउ यू हैव टू अपलोड योर मोटिवेशनल लेटर, योर CV, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट। सो एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई नाउ टू कंप्लीट योर प्री एडमिशन रिक्वेस्ट। ओके, फर्स्ट वी हैव टू अपलोड आवर मोटिवेशनल लेटर। आपने मोटिवेशनल लेटर जो है वो अपना अपलोड कर देना है यहाँ पे। वो अपलोड किया एंड सबमिट कर दी फाइल मैंने। ओके, नेक्स्ट वन मैं करती हूँ माय CV। सबमिट फाइल। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, चूज फाइल। और सबमिट फाइल कर दिया ट्रांसक्रिप्ट। इस यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, यू कैन ईजीली डू इट, इट्स वेरी ईजी।
Now I have uploaded all of my documents. Next is we have to pay 10 euro to complete the application. So next process kya hoga? Next process hoga pay now ka. अच्छा उससे पहले हम लोग ये देखते हैं टिक द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई वन और बोथ. आप लोग बोथ पे क्लिक कर दीजिएगा कि आप दोनों प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं. ओके आप दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हैं. ओके पे नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पे लेके चला जाएगा इस जगह पे. तो आपने यहाँ पे पेमेंट कार्ड अपनी करनी है, यूज़ पेमेंट कार्ड. यहाँ पे आपके कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी. जब आपके कार्ड अपने सारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन देखिए, कार्ड नंबर हो जाएगा, एक्सपायरेशन डेट हो जाएगा, सीवीवी कोड हो जाएगा, नेम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी. उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है. जब आप इस तरीके से अपनी पेमेंट कर लेंगे तो आपने बैक पे जाएंगे. बैक पे जाके प्लीज़ मेक योर पेमेंट, ये आपकी हो जाएगी. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा. तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है. इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी. ये आपकी एप्लीकेशन अभी सबमिट हुई है, इसमें कंफर्म ये नहीं होगा कि आपकी आपका इनरोलमेंट हो गई है कि नहीं हुई. आपको विद इन 30 डेज यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाएगी कि आइदर योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड. इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड तो वो आपको एक डिटेल में ईमेल करेंगे और उसमें बताएंगे कि अब आपने प्री इनरोलमेंट करना है. उसके बाद आपका प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस आएगा जो कि यहाँ पे इन्होंने स्टेप नंबर 2 में बताया हुआ है. अभी आपका स्टेप नंबर 1 हुआ है. स्टेप नंबर 2 में इन्होंने बताया हुआ है बी केयरफुल अप्लाई इन यूनिवर्सिटी एट इस दिस. उसके बाद आपने इस स्टेप पे जाना है. इसको जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है बाकी सारी यहाँ पे आके आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे देनी है. यह आपका स्टेप 2 हो जाएगा क्योंकि इन्होंने फर्स्ट पेज पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है. वेट फॉर द एडमिशन. उसके बाद आपने एडमिशन का वेट करना है. और रिमेंबर वन थिंग, इन्होंने बताया डोंट कॉन्टैक्ट द कमेटी बाय ईमेल, यू हैव ओनली टू वेट. कि आपको 30 डेज का वेट करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है आपको खुद बता देगी. Print the PDF file of the summary, sign in and deliver it to the embassy to apply for the visa. जब आपके पास letter आ जाएगा उसके बाद आपने visa के लिए apply करना है. यह आपका process है जिस तरीके से आप अपनी application fill कर सकते हैं. और bachelor students आप लोग भी same इसी तरीके से अपनी application fill कर सकते हैं. procedure आप लोगों का बिल्कुल same है कि आपने पहले अपना account बनाना है. अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है. लेकिन बैचलर डिग्री वालों के लिए सिर्फ एक ही प्रोग्राम है इसमें और मास्टर डिग्री वालों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है. तो ये आप चेक कर लीजिएगा, डेडलाइन वगैरह सारा कुछ आप चेक कर लीजिएगा. अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है या कोई इशू होता है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स. अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.